सदियों से अक्षुण हमारी सभ्यता, जिसकी धुरी है गंगा, हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं से बंगाल की खाड़ी की यात्रा निरंतर तय करती आ रही है ये नदी मातृका। 2500 किलोमीटर से अधिक, 51 जिले, 60 करोड़ लोगों और असंख्य जीव जंतुओं की जीवन रेखा गंगा वास्तव में हमारी संस्कृति की जननी है। नमामि गंगे तथा इंटैक के संयुक्त प्रयास से गौमुख से गंगा सागर तक एक अनूठा शोध संकलन किया गया, जिसके अंतर्गत गंगा की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत को जनमानस के माध्यम से समझा गया। आइए निकल पड़ते हैं एक अनूठे तीर्थ पर इन्हीं तथ्यों को जानने और अनुभव करने, गंगा की गहराई। गंगा नदी के तटों पर बसे तीर्थ स्थल सदियों से मनुष्य के आकर्षण का केंद्र रहे हैं। एक समय ऐसा भी था जब सड़क और रेल यातायात की सुविधाएं नहीं थीं, और तब भारत के केंद्र तक पहुंचने के लिए गंगा ही मुख्य जल मार्ग थी। इसीलिए गंगा के तट केवल तीर्थ ही नहीं, व्यापार और उद्योग के लिए भी विश्व प्रसिद्ध थे। तीर्थ की परंपरा, जिसमें समाज के लिए सुविधाएं जुटाना कर्म फल में वृद्धि प्रदान करता है और फलता फूलता व्यापार, दोनों ने ही गंगा के तटों पर वास्तुकला को प्रेरित किया। आज हम इसी मानव निर्मित विरासत की खोज में निकले हैं। गंगा जी हमारे देश के एक अटूट हिस्सा है, हमारे ट्रेडिशन में इसका बहुत एक बड़ा स्थान है। सो राइट फ्रॉम पाटलिपुत्र वेयर द नालंदा यूनिवर्सिटी एक्सेट्रास वेयर देयर टू द मॉडर्न प्री इंडिपेंडेंस एज, देयर आर मेनी फोर्ट्स बैटल फील्ड व्हिच हैपेंड ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर। साथ ही साथ आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे जितने भी नए नए शहर बसे हुए, ये सब ऑन द बैंक्स ऑफ इट। सो इट इज़ वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद द prehistoric, historic, as well as the modern civilization of India, and there are many buildings which are very unique in nature, and there are many forts where many unique chhatris on banks of rivers where people used to come and stay and take bank, the dharmshalas on the banks of rivers. ऐसे कई इमारतें हैं जो इंडो-आर्सेनिक कल्चर दिखाते हैं। बर्फ से ढके हिमालयी क्षेत्र में मंदाकिनी के छोर पर स्थापित है एक ऐसा शिवालय जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे महत्वपूर्ण शिव का स्थान है। यह शिवालय है केदारनाथ, जो दुर्गम होते हुए भी सैकड़ों यात्रियों की आस्था का केंद्र है। मंदिर के निर्माण को पांडवों से जोड़ा जाता है। महाभारत के युद्ध के पश्चात अपने बंधुओं की हत्या का पश्चाताप करने पांडव शिव की शरण में यहीं पर आए। लेकिन शिव किसी को भी कर्मफल से मुक्ति इतनी आसानी से कहां देते हैं? वे नंदी का वेश धर छुप गए और विचरण करने लगे। 5 स्थानों पर पांडवों को नंदी के वेश में शिव के अलग अलग रूप दिखाई दिए। इन्हीं स्थानों पर उनके द्वारा पंच केदार मंदिरों की स्थापना की गई, जिनमें मुख्य है केदारनाथ। नागरी शैली का यह मंदिर भव्य है। ऐसे स्थल जहां दिव्य शक्तियों का वास है, हजारों वर्षों से श्रद्धालुओं और संत महात्माओं के आगमन से तीर्थ स्थल बन जाते हैं। गंगा से हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण भारत में एक ऐसा स्थान भी है जिसे नाम ही दे दिया गया गंगाईकोंड चोलपुरम। इसे 11वीं शताब्दी के आरंभ में राजेंद्र चोल ने बनवाया। जैसे ही चोल राजाओं की सीमा मिथिला क्षेत्र में गंगा के समीप पहुंची, उन्होंने अपनी राजधानी में एक मंदिर स्थापित किया।
और उसके साथ लगे जल कुंड में एक स्तंभ लगाया जिसे गंगा जलमयम जय स्तंभम कहा गया। दरअसल चोल राजा चाहते थे कि उनका राज्याभिषेक गंगा के पवित्र जल से ही हो। मंदिर का ऊंचा और भव्य शिखर गंगा के उद्गम क्षेत्र हिमालय का प्रतीक था। जिन राजाओं को चोल सेनाएं हराती उनसे क्षतिपूर्ति के रूप में दास भूमि या सोना चांदी नहीं गंगा जल वसूला जाता। चोल राजवंश के इतिहासकारों ने लिखा कि इस मंदिर की स्थापना द्वारा चोल राजा गंगा को दक्षिण भारत में ले आए। गंगा के उद्गम क्षेत्र में स्थित है गंगोत्री का यह मंदिर। सभी मानते हैं कि भगीरथ के तप से प्रसन्न हो गंगा यहीं अवतरित हुई। 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर की स्थापना की। कालांतर में मंदिर का इस रूप में निर्माण 18वीं शताब्दी में जयपुर के सवाई माधो सिंह ने करवाया। धीमी गति से बहता हुआ अलकनंदा नदी का गहरा नीला पानी, तीव्र वेग से बहते हुए भागीरथी के थोते रंग के जल से मिलकर देवप्रयाग में यथार्थ में गंगा का रूप ले लेता है। देवप्रयाग यानी देवताओं के मिलने का स्थान, जहां तीर्थयात्री गंगा के दिव्य दर्शन करने और आत्मा की आध्यात्मिक तृप्ति के लिए आते हैं। यहां के शिलालेख हमें बताते हैं कि इस संपूर्ण क्षेत्र में तीर्थ यात्रा की परंपरा 6वीं शताब्दी से भी पुरानी है। गंगा नदी के ऋषिकेश घाटी में प्रवेश करते ही हम आ जाते हैं लक्ष्मण झूला क्षेत्र में। गंगा में यहां कई झूला पुल हैं। हिमालय में इन झूला पुलों का अत्यधिक महत्व है क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्रों को आपस में जोड़ते हैं और शिक्षा स्वास्थ्य और सामाजिक ताने बाने को मजबूत रखते हैं। माँ गंगा गंगोत्री से अपनी यात्रा तय करती हुई हरिद्वार पहुंच जाती हैं। हरिद्वार वह स्थान है जहां अमृत की कुछ बूंदें भूल से गिर गई थीं, जब धन्वंतरी उस घड़े यानी कुंभ को देवताओं और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन के बाद ले जा रहे थे। वह स्थान जहां अमृत की बूंदें गिरी थी हर की पैड़ी पर ब्रह्म कुंड है। हर की पैड़ी हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट है और यहां स्नान करना मोक्ष प्राप्त करवाने वाला माना जाता है। यहां पर स्थित है मां गंगा का मंदिर और लगभग 35 अन्य देवालय। पवित्र धारा के बीचों बीच है मानसिंह की छतरी, जिसका निर्माण मिर्जा राजा मानसिंह ने अकबर के शासनकाल में यानी लगभग 450 साल पूर्व करवाया। इतिहास के पृष्ठ पलटें तो हम ये पाएंगे कि भारत पर एकाधिकार तब तक संभव नहीं था जब तक गंगा और अन्य नदियों के जलमार्गों द्वारा होने वाले व्यापार और आवागमन को नियंत्रण में ना लिया जाए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें मिलता है चुनार में, जहां भारत के मैदानों में कल कल बहती हुई गंगा एक तीव्र मोड़ लेती हैं। इस विशाल जलधारा के किनारे शान से खड़े चुनार के किले ने भी इतिहास के कितने ही मोड़ देखे हैं। इसी स्थान पर प्राचीन काल के व्यापारिक जलमार्ग दक्षिण पथ और पूर्व पथ आपस में मिलते हैं। ईसा पूर्व 56वीं शताब्दी में विक्रमादित्य ने इसका निर्माण करवाया। उस समय तो इस किले का कोई सामरिक महत्व नहीं था, लेकिन किसे पता था कि यही किला भारत के इतिहास में इतने उतार चढ़ाव देखेगा। और एक समय वो आया जब अंग्रेजों ने गंगा के मैदान पर अपना एकाधिकार जमा लिया। इतिहास करवट लेता है, साम्राज्य बदलते हैं, लेकिन ये मानव निर्मित इमारतें बनी रहती हैं।
बदलते हुए किरदारों में हम देखते हैं कि गंगा की तरह सब कुछ ही चलायमान है। प्रयागराज, गंगा के किनारे की दूसरी कुंभ नगरी। यहीं पर स्थित है मुगल कालीन खुसरो बाग, जिसमें चार मकबरे देखे जा सकते हैं। खुसरो जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र थे। 1605 में अकबर के इंतकाल के बाद उद्यानों के प्रेमी उसके पुत्र सलीम उर्फ जहांगीर ने इस बाग का निर्माण अपनी सैरगाह के रूप में करवाया। खुसरो बाग की हरियाली के बीच ये चार मकबरे मुगल स्थापत्य कला की समृद्धि बयां करते हैं। 16वीं शताब्दी में मुगल शासक अकबर ने इलाहाबाद में संगम के निकट एक किले का निर्माण करवाया। उन्होंने ही इस शहर का नाम रखा, जिसका फारसी में तर्जुमा बनता है खुदा का शहर। आदिकाल से ही गंगा का मानवता से जुड़ाव है। इस जीवनदायिनी के दोनों तटों पर मानव सभ्यता ने जन्म लिया। इसके साक्ष्य हमें प्रयागराज के समीप स्थित राजा निषाद राज की नगरी श्रृंगवेरपुर से मिलते हैं। यहाँ पहली शताब्दी की जल संरक्षण प्रणाली देखते ही बनती है, जो प्राचीन अभियांत्रिकी का अद्भुत उदाहरण है। श्रृंगवेरपुर वो स्थान है जहाँ पर निषादराज केवट ने भगवान राम के चरणों को धोकर उन्हें गंगा पार करवाई। इसी प्रकार कन्नौज में राजा हर्षवर्धन के समय काल में चीनी यात्री ज्वांजांग का आगमन हुआ। उन्होंने अपनी यात्रा वृतांतों में तत्कालीन कन्नौज की समृद्धि का उल्लेख किया है। कालांतर में जयचंद्र ने अपने किले सहित अन्य मंदिरों की स्थापना करवाई। समय के साथ कन्नौज की स्थापत्य कला धूमिल हो गई। माना जाता है कि कन्नौज में आप जहां खनन करेंगे वहां पुरातात्विक अवशेष प्राप्त होंगे। यहां अलाउद्दीन और शेर शाह सूरी ने भी अपने किले बनवाए। उनका उद्देश्य जल व्यापार मार्ग पर अपना आधिपत्य जमाना था। आज किले पुरातात्विक ढेर में परिवर्तित हो चुके हैं। गंगा और व्यापार का संबंध हमें फरुखाबाद में देखने को मिलता है। यहाँ पर कांपिल्य नगरी है और यह स्थान महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ पांचाल नरेश ध्रुपद के महल के खंडहर पाए गए हैं व द्रौपदी के जन्म स्थान का कुंड भी है। ये शहर मोहम्मद खान बंगश द्वारा 17वीं शताब्दी में बसाया गया, जिसका नाम मुगल शासक फारुख शियार के नाम पर रखा गया। फरुखाबाद की स्थापना के साथ ही यहां देश भर से व्यापारियों का आगमन हुआ। यह क्षेत्र नील, आलू, तंबाकू व शोरा के व्यापार का मुख्य केंद्र था। सुगम व्यापार हेतु व्यापारियों द्वारा कंपिल्य से श्रृंगरामपुर के मध्य 36 विश्रांत घाट बनवाए गए। 19वीं शताब्दी में रेल यातायात के बढ़ते प्रभाव के कारण इन घाटों की महत्ता कम हो गई। इन इमारतों में विस्तृत स्थापत्य व मोहक भित्ति चित्र समृद्ध भारतीय संस्कृति को दर्शाते हैं। कुछ इसी प्रकार की संरचनाएं हमें उन्नाव में नदी के पुराने बहाव क्षेत्र में देखने को मिलती हैं, जैसे कि यह शिव मंदिर जो कि राजा राम बख्श सिंह के किले के समीप स्थित है। गंगा के बदलते हुए बहाव मार्ग का उदाहरण हमें गढ़मुक्तेश्वर में देखने को मिलता है, जिसे उत्तर की काशी के नाम से भी जाना जाता है। एक समय तक गंगा नदी यहां स्थित गंगा माता मंदिर की सीढ़ियों से प्रवाहित हुआ करती थी, लेकिन वह आज ब्रज घाट पर विस्थापित हो चुकी है। यहां का नक्का कुआं राजा नुशुश के श्राप मुक्त होने के परिणाम स्वरूप भगवान शिव की महिमा से बनवाया गया। पूठ गंगा घाट पर मराठा काल की छतरियां पाई जाती हैं। इनके अलावा
यही वो स्थान है जहां माना जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों महाभारत के योद्धाओं को धनुर्विद्या की दीक्षा दी थी। आज यहां एक संस्कृत महाविद्यालय है। गंगा और इसके घाटों की बात करें तो वाराणसी का जिक्र तो होगा ही। यहीं पर पाए जाते हैं वाराणसी के पूरे 84 घाट। हर घाट की अपनी कहानी है। अब पंचगंगा घाट को लें तो यहां मान्यता है कि 5 धाराएं यहां पर गंगा में मिलती हैं। घाट के नेपथ्य में दिखाई देती है आलमगीर मस्जिद, जिसे औरंगजेब ने बनवाया। पंचगंगा घाट से थोड़ी ही दूर है दशाश्वमेध घाट। यहां पर राजा दिवादोष ने 10 घोड़ों की बलि देकर अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया था। दशाश्वमेध घाट के समीप स्थित है काशी विश्वनाथ मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। साल 1780 में इंदौर की अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। बीते वर्षों में मंदिर परिसर अनेक छोटे बड़े भवनों से घिर गया था। भारत सरकार ने इस स्थिति को पिछले 2-3 वर्षों में विशेष सुधार कर मंदिर और उसके परिसर को बहुत भव्य बना दिया है। सूरज ढलते ही विश्वनाथ मंदिर के समीप स्थित यह घाट परिवर्तित हो जाता है एक अलौकिक दृश्य में, जहां दूर दूर से लोग गंगा आरती में शामिल होने आते हैं। वाकई यहां स्पष्ट दिखता है गंगा मैया का दैवीय रूप। कुछ दूरी पर ही स्थित है मणिकर्णिका घाट, जहां मृत्यु ही नित्य सत्य जान पड़ती है। मणिकर्णिका पृथ्वी पर एकमात्र स्थान है जहां चिताएं सदियों से लगातार सुलग रही हैं। यहां मृत्यु भी एक उत्सव है और सदियों से मनाया जा रहा है। ऐसी दिव्य भूमि में महापुरुषों का आना स्वाभाविक ही था। दूसरी शताब्दी में पातंजलि, कालांतर में महावीर, आदि शंकराचार्य, गुरु नानक, कबीर, रामानुज और न जाने कितने ही ज्ञान पुंज गंगा के तट पर आए। ईसा के 400 वर्ष पूर्व एक ऐसी दिव्य ज्योति गंगा के तट पर प्रकट हुई, जिसके शांति के संदेश ने संपूर्ण मानवता को एक नई दिशा प्रदान की। ये थे भगवान बुद्ध। उन्होंने अपना पहला उपदेश, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन यानी टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ कहा जाता है, यहीं पर दिया। यहीं बौद्ध संघ की स्थापना हुई और सम्राट अशोक ने एक विशाल बौद्ध विहार का निर्माण कराया। चौखंडी नामक स्थान पर गुप्त काल का स्तूप देखा जा सकता है, जहां भगवान बुद्ध को अपने पहले अनुयायी मिले थे। यहीं सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया धमेक स्तूप और स्तंभ भी स्थित है। बिहार में गंगा के किनारे हमें एक और स्थान मिलता है, जिसका नाम है वैशाली। यहां कुटाग्र शालवार के अवशेष मिलते हैं, जिसे बुद्ध स्तूप 2 भी कहा जाता है। इसे विश्व के सर्वप्रथम गणराज्य यानी लिच्छवियों ने स्थापित किया, साक्या मुनि बुद्ध के सम्मान में। यह स्थान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पहली बार बौद्ध संघ में स्त्रियों को सम्मिलित किया गया। वह नगर वैशाली ही था जहां राज नर्तकी अम्रपाली ने बौद्ध संघ में स्थान और सम्मान पाया। बौद्ध धर्म का प्रभाव इस क्षेत्र में अत्यधिक देखने को मिलता है। वैशाली व समस्तीपुर के जिलों में बुद्ध से संबंधित स्तूपों की जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन वे आज पुरातात्विक ढेरों में परिवर्तित हो चुके हैं। यहां से कुछ दूरी पर स्थित है 4th-8th शताब्दी में स्थापित नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये विश्व भर में अपनी शिक्षा के लिए विख्यात थे।
वाराणसी में वास्तुकला विरासत के अनेक उदाहरण मिलते हैं, जिनमें से एक मुख्य है 1791 में जॉनथन डंकन द्वारा स्थापित संस्कृत विश्वविद्यालय। इसकी शानदार इमारत को अभी हाल ही में संरक्षित किया गया है। जब विश्वविद्यालयों की बात हो तब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जिक्र कैसे ना हो। 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने भारत के राजघरानों और आम जनता की मदद से इसे स्थापित किया। प्राचीन पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है, इसे 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य के अजात शत्रु द्वारा बसाया गया। इस नगर के पुरातात्विक अवशेष हमें कुम्रहर पार्क, बुलंदी बाग व पटना संग्रहालय में मिलते हैं। आज के पटना की नींव तुर्क व अफगान शासकों द्वारा रखी गई और यहां शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड भी मिलती है। औपनिवेशिक काल के प्रथम चिन्ह हमें पटना में स्थित गोल घर से प्राप्त होते हैं। इसका निर्माण 1770 में अकाल के वक्त करवाया गया था। यहां मौजूद डच व फ्रांसीसी सेनाओं को हराकर अंग्रेजों ने पश्चिम की ओर भारत में अपनी दूसरी छावनी दानापुर में स्थापित की। समय के साथ ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर नियंत्रण बनाना शुरू किया। ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य मुनाफाखोरी था, लेकिन उनके द्वारा आमजन के लिए कुछ संवेदनशील कार्य भी कराए गए। इसमें ऊपरी गंगा नहर का निर्माण मुख्य है। यह विश्व में सिंचाई हेतु बनवाई गई विशालतम नहर परियोजना में से एक है। इसके निर्माण के साथ ही इस क्षेत्र के सूखे व बाढ़ की समस्या का समाधान भी किया गया। हरिद्वार से कानपुर के मध्य स्थित यह नहर इंजीनियर प्रोबी थॉमस कॉटली द्वारा बनवाई गई। इसी श्रृंखला में अंग्रेजी औपनिवेशिक शासकों ने कानपुर को एक औद्योगिक नगर के रूप में विकसित किया। सैन्य उपकरणों व कॉटन मिल्स के कारखानों सहित सैन्य छावनी भी स्थापित की गई। वर्ष 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जिसकी शुरुआत बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे द्वारा हुई, उनके विद्रोह का प्रभाव मेरठ व कानपुर सहित गंगा के किनारे बसे अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ा। कानपुर में भारतीय सिपाहियों का प्रतिनिधित्व नाना साहिब ने किया। कंपनी द्वारा विद्रोह को दबाने के पश्चात मृत यूरोपीय सैनिकों की याद में यहां ऑल सोल्स गिरजाघर व मेमोरियल जैसे अन्य स्मारक बनवाए गए। अंग्रेजों ने कालांतर में संपूर्ण देश को अपने अधीन कर लिया। इसका प्रभाव गंगा के किनारे की इमारतों में साफ झलकता है, चाहे वो गाजीपुर का कॉर्नवालिस स्मारक हो, बंगाल का बोंदेल गिरजाघर हो या कलकत्ता का बड़ा डाकखाना। इतिहास के पन्नों में अंग्रेजी शासकों से पूर्व बंगाल में सल्तनत राज हुआ करता था, जिसकी राजधानी गौर हुआ करती थी। 15वीं शताब्दी में अपने साहित्य व वास्तुकला के लिए यह क्षेत्र जाना जाता था। यहाँ से हमें टेराकोटा से निर्मित इमारतों का उदाहरण इन मस्जिदों में देखने को मिला है। 16वीं शताब्दी में बंगाल प्रांत की राजधानी गौर से साहिबगंज के राजमहल में विस्थापित की गई। गंगा तट पर मौजूद शाह शुजा के महल हैं, जिसके प्रांगण में हमें सिंधी दालान, बारादरी, जनाना महल, रंग महल और जामा मस्जिद देखने को मिलते हैं। हुगली के किनारे पश्चिम बंगाल के चिंसुरा में स्थित है हुगली इमामबाड़ा। ये अपने आप में एक बहुत खास इमारत है, जिसे हाजी मोहम्मद मोहसिन ने बनवाया। बंगाल में सूखा पड़ने के बाद इसे बनवाया गया, जिससे लोगों को इस मुश्किल समय में मदद दी जा सके।
इस इमामबाड़े की खासियत है इसका मुख्य द्वार, जिसके दो बड़े मीनार और उनके बीच की दीवार घड़ी, जो लंदन की बिग बेन बनाने वाली फैक्ट्री में ही बनी है, आज भी समय का एहसास हमें कराती है। चिनसुरा में ही देखे जा सकते हैं ये दो रेल पुल, एक 1865 का बना हुआ और दूसरा हाल ही में बनाया गया। दोनों पुल दर्शाते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत ने कैसे रेल यातायात का प्रयोग अपने फायदे के लिए किया और कैसे रेल धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गई। सीरामपुर में डेनमार्क के लोगों को व्यापार की इजाजत 1755 में मिली और उन्होंने इस स्थान का नाम बदलकर अपने राजा के सम्मान में फ्रेडरिक नागौर रख दिया। यहां आज भी इसी शैली में निर्मित गवर्नमेंट हाउस, जेल, संत ओलाव गिरजाघर और सेरामपुर कॉलेज देखे जा सकते हैं। यदि सेरामपुर में डच लोग आए तो वहीं चंदरनगर में फ्रांसीसी लोग आ गए। नदी के किनारे पैदल चलने के लिए बनाए प्रोमेनाद, यहीं पर ही है डुप्ले हाउस, जिसे इंस्टीट्यूट डी चंदरनगर भी कहते हैं। ये भारत में फ्रांसीसी संस्कृति का एक संग्रहालय है। साथ ही गिरजाघर, जिसे सेक्रेड हार्ट चर्च कहा जाता है, फ्रांसीसी वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। कोलकाता के बीबीडी बाग में इस स्थान का नाम तीन युवा स्वाधीनता संग्राम सेनानियों बिनॉय, बादल और दिनेश के नाम पर रखा गया। यहीं स्थित है डलहाउजी स्क्वायर, जहां की लाल ईंटों की बनी इमारतों में है राइटर्स बिल्डिंग, जो वर्षों तक अंग्रेजी सत्ता का और भारत के बंगाल की सरकार का केंद्र रही। कुछ दूर पर ही कोरिंथियन शैली के 28 खंभों पर 67 मीटर ऊंचे गुंबद को संभाल कर खड़ा है ब्रिटिश राज का ताजमहल, विक्टोरिया मेमोरियल। इतालवी रेनेसां शैली में बनी यह इमारत 16 साल में बनकर तैयार हुई। मां गंगा में रची बसी सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर को प्रलेखित इंटैक आर्किटेक्चरल हेरिटेज डिवीजन उत्तराखंड चैप्टर तथा वेस्ट बंगाल चैप्टर के प्रयासों से किया गया। इस कार्य के दौरान 5,300 से अधिक ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी संकलित की गई। यह अतुलनीय प्रयास इस बात का भी साक्षी है कि उत्तराखंड में मां गंगा के उद्गम से बंगाल के गंगा सागर में इसके समाहित होने तक के सफर में एक अनूठी साझा विरासत है, जो कि विविधता में एक रूपता को प्रदर्शित करती है। गंगा कथा में अब इतना ही। अगले सत्र में हम चलेंगे देखने मानव जीवन को, जो आज भी गंगा के तटों पर फल फूल रहा है। तब तक के लिए जय मां गंगे। अरे हम हूँ के दैदाद रसनवा, अरे हम हूँ के दैदाद रसनवा, जय हो गंगा महारानी। हम हूँ के दैदाद रसनवा, जय हो गंगा महारानी। अरे जय हो महारानी हो, जय हो महारानी, जय हो महारानी हो, जय हो महारानी। हम हूँ के दैदा दर्शनवा, जय हो गंगा महारानी। हम हूँ के दैदा दर्शनवा, जय हो गंगा महारानी।